एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। वेल, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमेशा ही कंट्रोवर्सी से अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन बात जब उनके बेटे तैमूर अली खान के ट्रोल्स की हो तो वो इस पर भी अपना रिएक्शन जरूर देते हैं। तो हाल में ही सैफ अली खान ने तैमूर के पॉटरी क्लास पिक्चर्स पर ट्रोल्स को अपना रिएक्शन दिया है। इतना ही नहीं बल्कि सैफ अली खान ने ये भी बताया है कि उन्होंने सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म कूली नंबर वन का ट्रेलर तक नहीं देखा है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने बेटे इब्राहिम खान के बॉलीवुड डेब्यू पर भी बात रखी है। वेल, तो इंतजार किस बात का है, चलिए हम आपको बताते हैं ये सारी डिटेल्स। बॉलीवुड एक्टर्स हमेशा ही ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं, ऐसे में एक्टर सैफ अली खान भूत पुलिस में काम कर रहे हैं। वो हाल में ही इस फिल्म के शूटिंग के लिए धर्मशाला में थे। वहां उनकी वाइफ करीना कपूर खान और बेटे तैमूर उनके साथ वक्त बिताने के लिए पहुंचे थे। हाल ही में करीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी और तैमूर की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो धर्मशाला में एक पॉटरी क्लास में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने इस तस्वीर के बारे में अच्छी बातें की तो वहीं कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी कर दिया था। तैमूर के लिए गंदे कमेंट्स के बारे में बात करते हुए सैफ अली खान ने मुंबई मिरर से कहा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास एक वंडरफुल काम है जो मुझे इन जैसी जगहों पर लाता है। हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं है और ये एक बड़े शहर के छोटे से अपार्टमेंट में बंद लोग निराश होते हैं और उनकी नेगेटिविटी वहीं से आती है। ये जानते हुए मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ। अपने बेटे इब्राहिम के बॉलीवुड डेब्यू के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा, ऋतिक रोशन की तरह उन्हें बस स्क्रीन पर एक्सप्लोड हो जाना चाहिए। मेरे साथ कंपैरिजन होगा, वो इससे बच नहीं सकता है, लेकिन वो अभी भी ग्रो हो रहा है, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, इसीलिए उसे अभी के लिए कम से कम दिखना चाहिए। बता दें, सैफ की बेटी सारा अली खान की अपकमिंग क्रिसमस रिलीज कूली नंबर वन का ट्रेलर रिलीज हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा है। इसके बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ गाने दिखाए और ये साफ था कि उसे मजा आ रहा है। सारा को स्क्रीन पर देखना मजेदार है क्योंकि मेरे लिए वो अभी भी छोटी लड़की है, लेकिन डेफिनेटली अब वो बड़ी हो गई है।